हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपरली कर रहे होंगे। क्लास सेवन्थ आपका जो सब्जेक्ट जीके है उसमें आपका 20 चैप्टर है लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी जो वर्ल्ड है उसकी दुनिया की जो भाषाएं हैं, वर्ल्ड की जो लैंग्वेज हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि कहाँ पर किस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है और हम किस किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। द टॉप मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आर मैंड्रिन, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदुस्तानी, स्पेनिश, अरेबिक, मलई, रशियन, बंगाली, पुर्तगाली एंड फ्रेंच। देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, कैन यू आंसर देम? ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? वो मदारिन, चाइनीज़ यानी कि चीनी, इंग्लिश, हिंदुस्तानी, स्पेनिश, अरेबिक, है ना, मलय, रशियन, बंगाली, पुर्तगाली और फ्रेंच, ये सब भाषाएं हैं। लेकिन दुनिया की भाषा के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं और हमें उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, कहा है ना, कैन यू आंसर्स देम, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज रिकॉर्डेड बाय एथलो द जर्नल द क्रॉनिकल्स द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? कि भाई दुनिया की भाषा को क्रॉनिकल करने वाली यानी कि जितनी भी हमारी एथलोग है, जितनी भी हम अपनी पत्रिका में जो भी हम रिकॉर्डेड करते हैं, जो भी हम दर्ज करते हैं, उनकी टोटल लैंग्वेजेस वर्ल्ड में कितनी है? तो वो कितनी है? 7097। ठीक है, तो जितने भी हमारी लैंग्वेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं वो 7097 है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर द लैंग्वेज दैट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पर जो वर्ल्ड में हमारी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो हमारी चाइनीज़ लैंग्वेज है। ठीक है, ये रहा सेकेंड आंसर है हमारा, चाइनीज़। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विच आर द लैंग्वेज दैट हैव द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? यानी कि वह कौन सी भाषा है जिसके बोलने की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है? यानी कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर लैंग्वेज कौन सी हमारी? स्पेनिश। तो सेकेंड हाईएस्ट हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? स्पेनिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द लैंग्वेज दैट हैव द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड? कि भाई दुनिया में तीसरी, चौथी और पांचवी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हमारी जो भाषा है इंग्लिश, अरेबिक एंड हिंदी। तो वो हमारी थ्री लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, अरेबिक एंड हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विच इज़ द लैंग्वेज दैट हैज़ बीन अडेप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंट्री? कि हमारी जितनी भी हमारी मतलब कौन सी भाषा है जो अधिकांश देशों की आधिकारिक भाषा के रूप में हम उसको अपनाते, कि हम सबसे ज़्यादा उस लैंग्वेज को अडोप्ट करते हैं एवरी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में वो हमारी अडोप्ट की जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज के बेसिस पर। तो वो हमारी कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, सभी को पता है इंग्लिश मस्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज को हम सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच इज़ द ओनली अदर कंट्री विच हैज़ हिंदी एज़ वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? कि भाई एकमात्र अन्य देश कौन सा है जिसकी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है, सबको पता है, लेकिन इंडिया के अलावा भी कौन सा एक ऐसी कंट्री है या जहाँ पर हमारी हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो उसका नाम है फिजी। फिजी कंट्री में भी हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, विच आर द अदर कंट्री विच हैव तमिल एज वन ऑफ देयर ऑफिशियल लैंग्वेज? ठीक है, अन्य कौन से देश है जिनकी आधिकारिक भाषा तमिल है, कि वहाँ पर तमिल लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो वो कौन कौन से हैं? सिंगापुर एंड श्रीलंका। ठीक है, सिंगापुर एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भाई मॉमडन कंट्री है तो वहाँ की लैंग्वेज कौन सी होगी? उर्दू होगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विच लैंग्वेज इज़ हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन पाकिस्तान? कि पाकिस्तान में किस भाषा के मूल बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है?
कि वहाँ पर जो लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, वो पंजाबी, कि पंजाबी और मॉमडन का थोड़ा सा वहाँ पर मिक्सचर होता है और वो लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स यूज़ करते हैं वो पंजाबी होती है, ठीक है। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, भूटान की जो राजभाषा या आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, जोगंखा, ठीक है, DZONGKHA, ठीक है, तो इसको हम जोडखा या जोगंखा भी बोल सकते हैं। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इज़राइल, इज़राइल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है, ठीक है। विच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है हमारी वो दारी एंड पश्तो है, ठीक है, दारी एंड पश्तो। विच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो देखो कुछ कुछ परसेंटेज में है, जर्मन जो लैंग्वेज है वो 63.7% है, फ्रेंच 20% है, इटालियन 6.5% है, और रोमांच जो लैंग्वेज है वो 0.5%। तो स्विट्ज़रलैंड में ये सब लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपकी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस पता चली, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को याद करना है, ठीक है। आपके पास आपका प्री मिड का सिलेबस भी आ गया है, हर एक चैप्टर की वीडियो भी आपके पास है, हॉलीडे होमवर्क भी आपके पास आ गया, तो आप घर पर रहकर बहुत अच्छे से अपने ध्यान रखकर अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे और अच्छे से प्री मिड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।